वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मुझे वैसे तो प्रोपोगेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसी आदत के कारण मेरे साथ बहुत सारे प्रोपोगेटेड वाले बच्चे बन जाते हैं प्लांट्स के। तो उसे रखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं होता, तो सोचा इस बार क्यों ना मैं एक छोटा सा एक नर्सरी अपने लिए बना लूँ, ताकि मैं जितने भी जो प्लांट्स होते हैं मेरे, जो बेबी प्लांट्स हैं जो प्रोपोगेटेड किए हुए, उसे रख सकूं, और मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं मैं उसे रख सकूं। पड़ोस वाले भी मुझे बहुत कहते हैं कि आप प्लांट्स को बेचते क्यों नहीं एक्स्ट्रा प्लांट्स को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ठीक है मैं एक नर्सरी तैयार कर लेती हूँ, ताकि वहाँ पर जो बच्चे कुछ जो प्लांट्स होंगे जो तैयार करके पौधे रखे होंगे, साथ साथ उसे बेच भी सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं बोगनवेलिया के हैं मेरे कुछ कटिंग्स बनाए थे, और ये मेरे कुछ कॉमन वाले इंडोर प्लांट्स हैं जो मैंने इसे यहाँ पे लगा के रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखिए ये छोटा सा मेरा एक नर्सरी का नज़ारा है। तो अभी कलेक्शन शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, तो जब सारा अच्छा सा कलेक्शन हो जाएगा तो ज़रूर आपको मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरा कुछ सिंगोनियम का कलेक्शन है, आप देखिए जो बेबी प्लांट्स मैंने तैयार कर रखे हैं। और ये है आप देख सकते हैं मधुमालती का जो कटिंग्स मैंने इस बार जो बच्चे बनाए थे प्रोपोगेशन किए थे, तो मधुमालती के और मेरे पास गार्लिक वाइन के कुछ ये सैपलिंग्स बना रखे हैं। तो और ये कुछ इंदौर के प्लांट्स भी मैंने रखे हैं बच्चे बना के, तो आई होप ये अच्छे से ग्रो हों यहाँ पर। ये मेरे हाइब्रिड वाले हाइड्रेंजिया के प्लांट्स हैं, तो इस बार कटिंग्स बहुत सारे तैयार कर रखी हूँ, देखते हूँ क्या होता है विंटर के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ।